नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां नई गढ़ी जनपद पंचायत के हड़िया ग्राम पंचायत में कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक ओर कलेक्टर का सख्त आदेश है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उनके पति किसी भी कार्यक्रम में या सरकारी कार्य की मीटिंग में सम्मिलित नहीं होंगे, परंतु यदि बात करें हड़िया ग्राम पंचायत की तो सरपंच पति पंचायत के हर एक कार्य में दखल देते हैं। ग्राम सभा में भी सरपंच पति ही फैसला लेते हैं। सरपंच पति हड़िया ग्राम पंचायत की जनता के साथ दादागिरी दिखाते हुए सारे कार्य को खुलेआम करवाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता के बोलने पर जनता को धमकी देते रहते हैं कि चुप रहो वरना सरकारी कार्य में बाधा डालने के इल्जाम में जेल में बंद करवा दूंगा। वहीं ग्राम पंचायत हड़िया की जनता का कहना है कि सरपंच और उसके पति के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो जनता उग्र आंदोलन करेगी। आखिर कब तक जनता की आवाज को दबाकर अपनी मनमानी करेगा सरपंच पति? आप लिख के दीजिए। जितने भी लोग हाँ, थोड़ा आराम से बोली, आराम से बैठी। नहीं, ये आप ये अपना अधिकार है, ये अपना अधिकार है, जाओ अपना अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है। आप लिख के दीजिए, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आपको लिख के देना पड़ेगा सरपंच पति के द्वारा ये बोला गया, आप लिख के दीजिए लिखित में। हेलो। हाँ बस शैलेंद्र घर है कि यहीं प्रदीप रिपोर्ट करे तो जाके आवा एक अच्छी रिपोर्ट। हाँ बस शैलेंद्र घर है कि प्रदीप जहीं रिपोर्ट करे तो जाके आवा एक अच्छी रिपोर्ट। कहे का काम रुकवाए रहन तो उन्हें से काम तो रुकते लग है। आए? काम तो रुकता है, लग है काम तो तू गुंडाई बतावे प्रदीप तो माना होता से काम चला था। कल तो हम पूछे कि सत्ता गड्ढा तू खुदावा ले जाते रहता हम सुखता गड्ढा हम रोको। अच्छा। हम सिंदूर के ना बात कर रहे हैं, तू बतावा। अच्छा तो वहाँ अपन तू बता रहे हो तो हम तो बोल ली। हाँ बतावा तू ये बतावा कि तुम्हारी कौन बात कहाँ हुआ है। हाँ। कि हम 5 साल सरपंच ही न करे थे, पहले ये हमारे प्रश्न का उत्तर दे। ठीक, हम गाड़ी न चला दे, हम जब उन्होंने छठे रोड बनाया है तो हम पास न हो दे। हाँ। मतलब तू ही सबसे ज्यादा हुआ है क्यों नहीं गांव में? नहीं तो तू जब बिया में हम कुछ बड़े मनाई से पूछ ले, हम मशीन न चला दे, बिया न चला दे, तब जब कहे कि मशीन न चला दे, हम जब उन्होंने इनका कलेक्टर के लिए चला तब जाके हम कहें कि मशीन जाल ही चले नहीं जाता होगा। तो नहीं हम सब कहने पूछ ले, अल्लाह उनसे रहे दिनेश सिंह रहे, उनसे का कहावत है चंदन रहे, उनसे लाला रहे, तब हम पूछ ले तू लाला कहेंगे प्रदीप के मंतव्य गलत रही। तू आप कहे गड्ढा खुदा ले जाते हम रोका हम तो दिनेश सिंह के टोलम का आया करे जाते हैं। तू सोखता गड्ढा का तू बाद में कहे हम ले जिले मशीन तब रोके सोखता गड्ढा हम बतान के सोखता गड्ढा मां तू जो उन्होंने मशीन जाल लाही है। जब तू कहे लगे कि हाँ हम रोकब, हम शिकायत करब, हम फलाना करब, हम मशीन जो उनसे इनका FIR करब, कलेक्टर के नाम करब, तब हम उनसे कहें हम कहें कि ऐसा है कि मशीन जाल लाही तो जा छीन ले जाए। और वहाँ तुमको जाना चाहिए कि हम 15वां वित्त 30% है और SBM के जो है 70% कुल मिला के जो है 100% वो जो है मनरेगा छुआता नहीं है। हम जानी दे कहे गए सुखता गड्ढा में हम तो फिर जल्दी बात ही कर रहे हैं। सुखता कौन गड्ढा हो प्रदीप, वहाँ लेबर लगावे का प्रावधान है। हम तुमसे यह कहन की जोन भाषा बोले परम जोन तू बोले अनिल के लिए कार्यवाही बंद कर दे, वह तुम्हार भाषा गलत रही। नहीं नहीं हम एक अक्षर माले बोल दें तो तू हमारा मुँह पकड़ ले है। नहीं तो बिल्कुल हम काम न करे देव, तू ही बतावा कि उनसे कार्यवाही लिखा रहे तो तू ही भर रहे हो। गांव में क्यों नहीं आता जो हल्ला करे वाला हम रहे नहीं बैठ जाते कुर्सी में फिर बोलते बताते है कार्यवाही में सबके जो उनसे वो बोले का अधिकार है, सब बोल सकते ऐसे नहीं आके सब बोल सकते भैया न बोले पावे सब यह बोल सकते भैया नहीं कह सकते प्रदीप पे कार्यवाही बंद कर दे सब यह बोल सकते हमारा यह तथ्य लिख ले पे किया नहीं कह सकते कार्यवाही हम अतना हम अतना कहेंगे जब कार्यवाही नहीं लिखे पावे लगे तो बंद कर दे। तो या थोड़ा या यू कहें कि कहा ना कार्यवाही बंद कर नहीं नहीं हम दद्दू घंटे बैठ रहे हैं, हम कहें कि जब कि नहीं लिखे पहुंचे पाई लग भैया तो कहे कि खोलन बंद करी चली मनी घरे तो कतना आया कहने और हम कहिया नहीं आके जो कार्यवाही बंद करा किया करा। बाकी भाषा शैली जो बोलते रहे भाषा शैली सही ना, बाकी पंचायत के जो है अपने आगे के जो शैलन से पूछ ले आगे कि हमसे रोज पूछी नहीं कि तलाये में जेसीबी लगा खुदवाई तो हम कहें लगा जेसीबी सब नगदबादी सब नगदबादी है फिर सब नगदबादी है। कल जब गाड़ी गए तो तुमका रोका अधिकार नहीं है, तुमका शिकायत करे का अधिकार है।
तू शिकायत कह सकते हैं, तू जो उन्हें तो वीडियो बना सकता है, तू अंत कुछ कह सकता है, पर यह नहीं है कि काम जो है शासन प्रशासन के काम है अपने घरे के नहीं कराई लगा है, ओकर मास्टर नहीं करा है, ओकर पैसा नहीं करा है, ओकर मनो सब रोडों के मास्टर नहीं करे हैं टोटल, और जो कल SBM के कराए हैं तो वो भी जो है पैसा निकाला है SBM की निकारा है सर, हमें का फील्ड में अधिकार है रोक देगा या वीडियो बना लेगा रोक के रोक देगा, जब अधिकार है हाँ तो जब अधिकार है तो उनका कि रोक दे हम फील्ड में तो रोक दे है ना ठीक है ना तो नहीं कराना होगा। हाँ वो बताए कि भाई यार ये बताइल है प्यार मोहब्बत से नहीं बीच ठगड़ा खुदावा प्यार मोहब्बत से बिल्कुल नहीं नहीं तो लगे जब तो बताए उतर है ना कि हमका अधिकार है रोक दे का ना। हाँ हमका हमका तो नहीं हमका तो नहीं हमका तो करावे का अधिकार है करावे का तुम का अधिकार है तो सरपंच है तुम्हारे मैयत तुम कर जे 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 का फील्ड में खड़ा कर देंगे तो फलाने हमारे काम हाँ, रहता है तो हमका हमका नियुक्त तो करें ही काम हाँ, करावे खातिर तो हमका जो है शासन प्रशासन में काम जो हुई तो हमका करावे का अधिकार है और तुमका कहता है हमका रोके का अधिकार है तो रोक दे तो ठीक करे होगी का दिक्कत है उनका। हम वहाँ वहाँ कहा पूछ ले ठाकुर से एक और नहीं कहें तू करा कहीं लोग बरजल जो न खोजी हमका न खोजी फिर एक बार हम भैया का फोन लगा भैया लोग कर रहा भैया तो बताने बताएं हमसे भैया जल्दी नहीं बताएं तुम्हारे फोन काटें तो बताएं तो हमसे कहीं कहीं के जेल जाऊँ वहाँ तो हम कहें भैया नहीं जानते हैं ना रोकल रहा वो जाना हम नहीं जानते हैं भाई काम रोकल तो रोकल लोग अधिकार नहीं कहीं तो पूछ सकते हैं कहता लगे अधिकार है हमको रोकल करता है ठीक है रोक देता हाँ ठीक है ना हाँ ठीक है।